हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरी घंटों का एक रेसिपी। तो सबसे पहले आपको मूंग दाल सोक करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए या फिर 1 आवर। उसके बाद मैंने ये रोहू फिश का हेड ले लिया है और मसाला के लिए अदरक लहसुन प्याज और सूखी मिर्च का पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद कढ़ाई में ऑयल दे दीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें बे लीफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ये सब दे दीजिए। इसको थोड़ा चटकने दीजिए। उसके बाद मैंने चॉपर में ऑनियन को चॉप कर लिया था, आप चॉप किया हुआ ऑनियन दे दीजिए। इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे फ्रेंड्स। जब ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, ये सोक किया हुआ मूंग का दाल हम इसमें दे देंगे। उसके बाद आप ये मूंग का दाल दे दीजिए और इस टाइम पे आप गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखिए। और ये मेरा मसाला बन के तैयार है फ्रेंड्स, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर दे दिया है और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर भी दिया है, वो मैं आपको वीडियो करना भूल गई। उसके बाद ये जो रो फिश का हेड था वो मैंने दे दिया है। और आप मछली का हेड के साथ आप मतलब 1-2 पीस भी ऐड कर सकते हैं। तो आप हाई करके इसको अच्छे से चलाइए, छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे जल सकता है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ पर जो पेस्ट बनाया था वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। अच्छे से मिला लीजिए। मैंने थोड़ा हल्का पानी दे दिया है ताकि अच्छा से मसाला इसका मतलब लग जाए इसमें। और अभी मैं सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी। सॉल्ट आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और आप यहाँ पे ये जो सूखा मिर्च देख रहे हैं वो मैंने बाद में ऐड कर दिया था थोड़ा तीखापन के लिए। और दूसरी तरफ मैं इसमें पानी गर्म करने के लिए मैं छोड़ दूँगी। इसमें गर्म पानी देना है फ्रेंड्स, मतलब नॉर्मल पानी यूज़ मत कीजिए, देने से इसका थोड़ा मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर और धनिया पाउडर मैं ऐड करूँगी फ्रेंड्स। ये धनिया पाउडर, ये मतलब पैकेट वाला ये धनिया पाउडर है रेडीमेड। इसके बाद अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। और दूसरी तरफ मैंने कसूरी मेथी रोस्ट कर लिया था, इसको भी मैं अभी दे दूँगी इसमें। अगर कसूरी मेथी घर पे ना हो तो लास्ट में आप धनिया, मतलब कच्चा धनिया जो कोरिएंडर होता है लीफ, वो दे दीजिए आप, स्मेल अच्छा आएगा। अच्छे से चलाते रहे फ्रेंड्स। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। आप गरम मसाला एकदम लास्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जब ये फ्राई होता है मैं तभी गरम मसाला दे देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये मेरा पूरा इसका मतलब भुना हो चुका है। अभी मैं इसमें ये जो पानी था गर्म पानी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी गैस के फ्लेम को आप मीडियम पे ना रखें, इतना पानी आप यूज़ कीजिए ताकि पूरा मतलब ये जो दाल है अच्छे से गल जाए और ये जो फिश का पीसेस है वो भी अच्छे से गल जाए। ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप बीच बीच में इसको चलाते रहें, इसको छोड़िए मत। मेरा ये बनने के लिए आपका 45-50 मिनट्स लगा था, क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया था फ्रेंड्स। जो बे लीफ था वो मैंने निकाल दिया है, आप मतलब इसमें रख भी सकते हैं लेकिन मैं निकाल देती हूँ। मैं फिर से एक बार चेक करूँगी ढक के। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा लगभग ये जो मुरी घंटों का ये रेसिपी लगभग तैयार है। जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो है घी, अमूल घी। जब ये आपका ये ग्रेवी जब रेडी हो जाएगा, लास्ट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी मिलाना है। घी मिला के मैं इसको कंटेनर में इसको मैं शिफ्ट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा गाढ़ा मैंने इसको किया है फ्रेंड्स। मैंने कंटेनर में शिफ्ट कर लिया है और मैंने लास्ट में थोड़ा सा और ग्रीन चिलीज़ और घी ऐड कर दिया, क्योंकि मैं घी खाने में एक्सपर्ट हूँ फ्रेंड्स। और मैंने थोड़ा देर ढक के रख दिया था। रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।